हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबूज किचन। आज का रेसिपी इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर का रोज नमकीन फ्लावर। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। ट्राई कलर नमकीन बा तिरंगा नमकीन बनाने के लिए ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 2 कप मैदा लिया, ऑयल यूज करूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काला जीरा बा मोमरेल आधा चम्मच, अजवाइन, 2 फूड कलर ग्रीन एंड ऑरेंज। डो बनाने के लिए पानी, मैदा में नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग काला जीरा व मोमरेल, अजवाइन हाथों से क्रश करके ऐड करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। जितना अच्छा मोयन देंगे उतना अच्छा क्रिस्पी बनेगा। और अच्छी तरह से ऐसे मैदा में ऑयल को मिक्स करने का। मिक्स करने के बाद ऐसे ब्रेड क्रम के जैसा टेक्सचर आ जाएगा और मुट्ठी बंद के देखने का। आसानी से मुट्ठी बंद रहे मीन्स परफेक्ट माइन हो गया। अभी थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी और डो बना लूंगी। अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अभी पानी ऐड करती जाऊंगी और डो बना लूंगी। मल मल के डो बना लिया। ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं। अभी 3 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। 1 पार्ट व्हाइट रखूंगी और 2 पार्ट में कलर यूज करूंगी, ग्रीन एंड ऑरेंज। तीनों बाउल में निकल लिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके। अभी 1 पार्ट व्हाइट रख दूंगी और 2 पार्ट का कलर यूज करूंगी। तो 1 पार्ट ले लिया, इसमें ऑरेंज फूड कलर पहले ऐड कर देती हूँ। लिक्विड रहेगा तो लिक्विड भी ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ड्राई रहेगा तो भी अच्छी तरह से ड्रो में मल मल के ऑरेंज कलर बना लेने का। 2 मिनट अच्छी तरह से मलने से कलर आ जाएगा। ड्राई कलर मिक्स करने में परेशानी होगा तो 1 ड्रॉप पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करके ऐसे मल के डो को ऑरेंज कलर बना सकते हैं। बहुत ही लाइट कलर था तो ऐसे ड्राई कलर और थोड़ा सा ऐड किया और 2 बूंद पानी ऐड कर दिया। तो अभी अच्छी तरह से डो के साथ मिक्स हो जाएगा। लिक्विड कलर रहेगा तो परेशानी नहीं होते, अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। लेकिन ड्राई कलर में 1 चम्मच व 2-3 बूंद ऐसे हाथ में लेके मिक्स करके ऑरेंज कलर बन गया। ऑरेंज कलर का डो बन गया। बाउल में निकल लेती हूँ, साइड में रख देती हूँ और दूसरा वाला जो डो है व्हाइट डो उसमें ग्रीन कलर ऐड करूँगी। ग्रीन फूड कलर मेरा लिक्विड था तो बहुत ही आसानी से लिक्विड कलर मिक्स हो जाता है। अभी मल के ग्रीन कलर तैयार कर लेती हूँ। मल मल के ग्रीन कलर का डो भी बना लिया। ये लिक्विड था तो मिक्स करने में बहुत ही आसानी हुआ। तीनों कलर का डो बन के रेडी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तीनों कलर डो पहले मैं ऑरेंज कलर बेल के रेडी कर लेती हूँ। एक बड़ा रोटी का आकार बेल के रेडी कर लेती हूँ। पहले ऐसे बड़ा बेल के रेडी किया और एक बाउल से गोल गोल सर्कल बना के पहले रेडी कर लेती हूँ। और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो दोबारा बेल के रेडी कर लूंगी। थोड़ा थिक रहेगा तो वो भी बेल के रेडी कर लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे 3 कलर ऐसे ही, पहले बड़ा आकार बेल के ऐसे छोटा छोटा सर्कल बना लेती हूँ। एक एक पार्ट कर लेके थोड़ा थिक बना लेती हूँ, थिक नहीं थिन बना लेती हूँ। ऐसे ऑरेंज कलर पहले बना लेती हूँ, फिर व्हाइट कलर बनाऊंगी और फिर ग्रीन कलर बनाऊंगी। एक ही माप का होगा इसके लिए,
मैं इसे बाउल से कट किया। अभी जब ही थिन करने का और थोड़ा साइड बढ़ जाता है ना, तो इसे निकाल के और जो एक्स्ट्रा पार्ट रहेगा वो दोबारा बेल के फिर से रेडी करने का। तो देखिए एक ही थिकनेस और एक ही साइज का हो जाएगा। अभी व्हाइट कलर का जो डो था वो ऐसे बड़ा रोटी का कर बेल के रेडी करती हूँ। ऐसे व्हाइट कलर का बना के हो गया। अभी ग्रीन कलर का बड़ा पहले बेल लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे सर्किल बना लेती हूँ। ऐसे ग्रीन कलर के भी तैयार कर लिया। चलता है नेक्स्ट। अभी तीनों कलर से फ्लावर बनाऊंगी, रोज फ्लावर। तो पहले मैं ग्रीन दो पीस ऐड करूंगी, तो ग्रीन को ऐसे मैं ऐड करूंगी। ओके, फिर बाद में आएगा व्हाइट, बीच में आता है व्हाइट, तो व्हाइट ऐसे। फिर बाद में आएगा ऑरेंज, तो ऑरेंज कलर का जो एंड भाग है ना, ऐसे पहले दबाते हुए हल्का हाथों से करने का, तो जो फ्लावर का शेप है रोज का वो पंखुड़िया बहुत ही अच्छी तरह से सेट होता है। और जो सेकंड पार्ट व सेकंड लेयर जो आ रहा है ना, ऐसे दबाते हुए ऐसे, और जो ग्रीन वो फ्लावर के लास्ट एंडिंग में दिखेगा ऐसे, जैसे फ्लावर का पत्ता होता है ना नीचे। अभी देखिए ऐसे बीचों बीचों में इसे दबाते हुए अच्छी तरह से स्टिक कर लेने का। स्टिक करके जो बीच का पोर्शन है उसमें कट लगा देने का, हल्का हाथों से आगे पीछे कटते जाने का, तो लेयर्स खराब नहीं होता ऐसे। अभी इसको क्या करने का, ऐसे जो पंखुड़िया है ये है, ये हो गया लिप्स, और जो रोज है अभी रोज का जो पेटल्स है वो भी निकाल देती हूँ। बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, ये भी दिखा देती हूँ। ग्रीन कलर का लिप्स रहता है ना फ्लावर का नीचे लगे हुए, तो वो और पंखुड़िया हल्का हाथों से ऐसे करके निकाल लेने का। ऐसे सारे रोज बना लेती हूँ। ट्राई कलर का नमकीन का जो रोज फ्लावर बनाया था सारे बनके रेडी हो गया। चलते हैं फ्राइंग के लिए। ऑयल गरम होने के लिए रख देती हूँ। ऑयल गरम हो गया हल्का सा, तो पहले से ही सारे फ्लावर नमकीन को ऐड कर देती हूँ। हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी नहीं बनेगा। एक साइड अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद फ्लिप करूंगी। एक साइड फ्राई हो गया और फ्लिप कर लेती हूँ, दूसरी तरफ भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया, मतलब देख ही सकते हैं। ट्राई कलर का सारे नमकीन फ्राई हो गया, प्लेट में निकल लेती हूँ। सारे फ्लावर्स नमकीन फ्राई हो गया, ट्राई कलर का बनाया। अभी टिश्यू पेपर में निकल लेती हूँ। सेम प्रोसेस में सारे फ्लावर नमकीन को फ्राई कर लेती हूँ। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ट्राई कलर का रोज नमकीन फ्लावर बनाया, बहुत ही खूबसूरत देखने में हुआ। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।